या मैं जैसे ये पूछ रहा था, अभी जैसे मेंस आ रहे हैं फरवरी में, हाँ हेलो, हेलो। हाँ बोलो शिवम। हाँ, और हाँ भैया जैसे अभी हमारे हमारी प्रिपरेशन अभी मतलब लगभग जीरो ही है, तो अभी हम लोग को भी जैसे जेई के लिए पढ़ना चाहिए कि बिटसेट के लिए पढ़ना चाहिए? देखो, अभी अपने पास जेई मेंस में उतना टाइम नहीं है, बट बिटसेट में अपने पास काफी टाइम है। और इस बार एक अच्छी चीज हाँ ये हुई है कि जेई मेंस अब 4 बार हो रहा है, तो अपने को नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा मिल रहे हैं। तो आई वुड से कि आप हाँ जी जनवरी और आधा फरवरी के आसपास डिवोट कर सकते हो कंप्लीटली जेई मेंस को। अगर आपको 1.5-2 महीने जेई मेंस की प्रिपरेशन करने के बाद लगता है कि हाँ यार, मैं 2 महीने में और अच्छा इंप्रूव कर सकता हूँ, अप्रैल और मई वाले अटेम्प्ट में मैं हाँ और बेटर कर सकता हूँ, तब तो आप जेई मेंस को करते हाँ रहो, बिटसेट आपका अपने आप हो जाएगा। बट अगर 1-1.5 महीने के बाद आपको लगता है कि यार जेई मेंस के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं हो पा रही, तो फिर आप बिटसेट को हाँ फिर पूरा 100% परस्यू करो। बट 1-2 महीना अभी देखो, अगर जेई मेंस आपका हो रहा है देन यू कैन वेरी वेल गो फॉर जेई मेंस। अच्छा, नहीं एक्चुअली भैया ऐसा मतलब हमारा टारगेट क्या है भैया, कॉलेज बिट्स में ही जाना है करके, तो वही पूछ रहा कि अगर हम लोग अभी जैसे जेई ड्रॉप कर देते हैं, सिर्फ हाँ बिटसेट के लिए प्रिपरेशन करते हैं अभी, तो वो सही रहेगा कि नहीं रहेगा? देखो, सही तो मतलब कह सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं आपको एक एक इंसिडेंट बताता हूँ। अभी इसी साल 2020 में हुआ था, वन ऑफ माई सब्सक्राइबर्स मैसेज मी वन डे दैट ही स्कोर्ड 395 मार्क्स। बट जब वो घर आया, उसने अपना बिट्स एडमिशन साइट पे अकाउंट लॉग इन करके देखा, तो उसका 395 के हाँ जगह मार्क्स दिखा रहे थे 95। तो अब इट्स नाइन्टी अ फाइव या इट्स अ ह्यूज ब्लंडर। एक जगह तो उसको सीएस मिल रही पिलानी में, एक जगह वो हाँ सिलेक्ट नहीं हो पा रहा। उसने बहुत मैसेज मेल्स वगैरह सब हाँ लिखे, बट अब मैं उसे कांटेक्ट में नहीं हूँ, तो आई डोंट थिंक कुछ हो पाया होगा, क्योंकि बिट्स की बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी रहती है। तो ऐसा कुछ अच्छा ना हो जाए अपन नहीं कह सकते ना कुछ। तो अगर अपन सिर्फ एक एग्जाम पे हाँ फोकस करें तो रिस्क बहुत ज्यादा है। तो ये रिस्क है बस पूरे। हाँ तो अगर आप जेई मेंस को एज अ बैकअप रखो, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा आप सारे चैप्टर्स पढ़ो, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एटलीस्ट कर लो 1-1.5 महीने में, तो एक सेफ ऑप्शन हाँ रहता है वो। हाँ बस ये बात है। हाँ भैया, मैं मेरा ये डाउट था हाँ कि हेलो हाँ शिवम बोलो। हाँ भैया, मेरा ये डाउट था कि जैसे हम लोग मई अटेम्प्ट के लिए अगर जेई का ज्यादा फोकस कर रहे हैं, भी ऐसा नहीं कि हम लोग जेई छोड़ रहे हैं, पर जैसे हम लोग को सिलेबस कंप्लीशन करना है और रिवीजन करना है, तो वो मई अटेम्प्ट में ज्यादा पॉसिबल है, तो उसमें या मतलब कैसे इसको शुरू करें ये पूछना, अगर स्क्रैच से करना चाहे कोई तो. अभी आपका आपने मतलब बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया है, या फिर आपका थोड़ा बहुत पोर्शन हो रखा है? नहीं मतलब स्टार्ट कर दिए भैया थोड़ा, पर ऐसा कि सिलेबस बहुत ज्यादा बचा है, तो ऐसा है, पहली बात तो मैं ये बोलूंगा कि आप 12th पे थोड़ा और ज्यादा फोकस रिवीजन एक भी करना। बार नहीं हुआ भैया. कोई बात नहीं, तो आप 12th पे ज्यादा फोकस करना। उसके 2-3 फायदे हैं। एक तो 12th का पोर्शन रिलेटिवली ज्यादा आता है, मतलब 60-70% क्वेश्चंस आपको 12th के मिलेंगे, ठीक है। दूसरा, आपके अभी बोर्ड्स भी होंगे, तो 12th आपको वैसे भी पढ़ना हाँ ही है, तो भैया आपके बोर्ड्स में भी काम आएगा। तीसरा, 11th के काफी ऐसे चैप्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, बट उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, ट्रिग्नोमेट्री है या फिर लिमिट्स है, तो उसका आपको अच्छा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बट वो क्वेश्चन आपको 12th के किसी टॉपिक में अंदर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है इंटीग्रेशन का कोई सवाल हो जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। ये जेई मेंस में काफी अच्छा सारे भैया क्वेश्चन अच्छा आपको मिल सकते हैं, तो 12th करने का बहुत फायदा है। तो आप 12th से स्टार्ट करो अभी, तो ठीक है। केमिस्ट्री में आप एनसीईआरटी वगैरह पढ़ना स्टार्ट करिए, फिजिक्स में आपने अगर अच्छे वर्मा नहीं करिए तो एटलीस्ट एक बार तो आप कर ही लीजिए, उससे आपके काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और मैथ्स में अगर आप किसी कोचिंग वगैरह में, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो आप आरडी शर्मा करोगे तो बिटसेट के लिए वो सफिशियंट रहेगा। जेई मेंस के लिए फिर आपको संगेज करनी पड़ेगी। तो स्टार्ट आप 12th से करिए। अच्छा आप एक चीज करिएगा कि रोज दिन का आप 2 सब्जेक्ट्स ले लीजिए कोई से भी, कि मैं फिजिक्स या मैथ्स पढ़ूंगा साथ में, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ूंगा। दिन में 2 सब्जेक्ट से ज्यादा मत लेना, नहीं तो बहुत हैक्टिक हो जाता है। तो ऐसे आप करोगे तो आराम से 2-3 महीने में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एटलीस्ट सारे कवर हो सकते हैं आराम से। तो भैया सिंगेज से अगर करते हैं तो वो ठीक रहेगा, डेडिकेटली सिंगेज से? अच्छा हाँ बिल्कुल, संगेज तो बहुत अच्छे, आपका जेई मेंस ही बहुत अच्छे से हो जाएगा। अच्छा अच्छा भैया जैसे पूछ रहे थे, अभी हमारे बोर्ड्स भी है इस साल, जेई या का भी एग्जाम है, फिर बिटसेट का भी एग्जाम है, तो हाँ तीनों को मतलब मैनेज कैसे करें? अभी बोर्ड्स का एग्जाम हमारा जैसे अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, अप्रैल के लास्ट से, और जेई तो फरवरी में है, और बिटसेट का तो अभी डेट नहीं आई है, तो हाँ मैनेज कैसे करें भी? क्योंकि अभी तो प्रिपरेशन हमारी कुछ है नहीं, हाँ अभी जैसे देखें तो वही. तो देखो, 2-3 चीजें हैं। एक तो यह है कि एक ऑप्शन ये बचता है कि अगर आपको कम्प्लीटली फोकस करना है जेई मेंस और बिटसाइट पे, और आपको मतलब अगर ज़्यादा अपन कह सकते हैं ना कि बोर्ड की परसेंटेज मैटर नहीं करती, यू जस्ट हैव टू क्रॉस 75, अगर ऐसा माइंडसेट है तो आप बोर्ड्स के लिए अभी रहने दे सकते हो पढ़ना। यू कैन हाँ जस्ट स्टार्ट
प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स इन द मंथ ऑफ मार्च, बट अगर एक डिसेंट परसेंटेज भी चाहिए बोर्ड्स में तो फिर आई वुड से कि आप ऐसा करिए कि आप शाम को 6 बजे तक या 7 बजे तक तो जेई मेन्स की प्रिपरेशन करिए, उसके बाद रात के टाइम पे वो जो चैप्टर्स आपने जेई मेन्स और बिटसैट के लिए पढ़े हैं उन्हीं को आप एक बार बोर्ड्स के लेवल के लिए पढ़ लीजिए। तो उससे क्या होगा कि बोर्ड्स में आपको ज्यादा टाइम एक्स्ट्रा अलग से नहीं देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे सेंगेज में से इंटीग्रेशन, ठीक है, तो रात में एक बार बस आप एनसीईआरटी में से देख लीजिए इंटीग्रेशन। कोई सवाल अगर ऐसा लग रहा है कि यार ये मैंने नहीं करा या फिर ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं है तो वो कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसे आप जब सेम चैप्टर्स करोगे रात को तो वो आपको इजी भी रहेगा, टाइम भी कम लगेगा, तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है भैया, अब जैसे अभी जैसे हमारा जो कंडीशन है अभी पढ़ाई का, जैसे उस हिसाब से मतलब दिन का स्टडी के लिए लेक्चर स्टडी सेल्फ स्टडी वो सब मिला के कितने घंटे मतलब पढ़ने चाहिए अभी? देखो घंटों से इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि हो सकता है मुझे 12 घंटे लगे, आपका काम 6 घंटे में हो जाए। तो इसके इससे अच्छा बेटर तरीका ये है कि आप टॉपिक वाइज टारगेट करो। सो फॉर एग्जांपल आप एक अपना वीकली शेड्यूल बना लो, जैसा भी आपको कन्वीनियंट हो कि यार इस वीक में मेरे को केमिस्ट्री के ये 4 टॉपिक्स कम्प्लीट करने, मैथ्स के ये 4 टॉपिक्स करने, फिजिक्स के ये करने। उसके बाद आप चाहो तो आप डे वाइज ही बना सकते हो डेली का रूटीन कि मेरे को आज ये पढ़ के सोना, ये एक्सरसाइज करके सोनी। तो जब तक वो नहीं हो जाता, अब चाहे वो 1 घंटे में कर लो आप, चाहे आपको करने में 10 घंटे लग रहे हैं, बट वो टारगेट सेट है तो आपको उतना करना है। तो जब हम ऐसे आगे बढ़ेंगे तो सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और नंबर ऑफ आवर्स भी फिर अपने आप आपके 8 से 10 आवर टच होने लग जाएंगे। ठीक है भैया, ठीक है, क्योंकि है ना मैं आपको एक और चीज बताता हूं, एक जनरल ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि हमें हम गोल को चेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी अपना गोल बनाया तो सबका माइंडसेट ऐसे रहता है कि मैं गोल को फुलफिल करूं। तो अगर आपका गोल ये है कि यार मुझे 12 घंटे पढ़ना है और आप सिर्फ 8 घंटे पढ़ पा रहे हो, तो अब आपका गोल ये रहेगा कि यार मैं 4 घंटे बढ़ाऊं। अब आप ये नहीं सोचोगे कि वो 4 घंटे मैंने बढ़ाए वो कितने प्रोडक्टिव मिल रहे हैं मुझे, बस आपको 4 घंटे बढ़ाने हैं, वो ऑटोमेटिकली ब्रेन उसी डायरेक्शन में सोचेगा। बट अगर अपन ने टारगेट ऐसा सेट करा है कि यार मेरे को ये 2 चैप्टर पढ़ने हैं इसके बिना मैं सोऊंगा नहीं, तो अब अगर आपको आज 12 घंटे लगते हैं तो आपका दिमाग अपना भी सोचेगा कि मैं कैसे 12 को 10 कर दूं और फिर भी वो दोनों चैप्टर्स कंप्लीट कर लूं। तो मतलब आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई, तो ऐसे धीरे धीरे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती रहेगी। अच्छा, तो मतलब जैसे जेई का सिलेबस का पढ़ेंगे तो उससे बिटसेट का प्रिपरेशन हो जाएगा? हाँ 100%, जेई से ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं, उससे वो हो जाएगा आपका आराम से। अच्छा ठीक है भैया, शिवम कुछ? नहीं मेरे तो सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। क्लियर, थैंक यू वेरी मच भैया। मोस्ट वेलकम। ओके ठीक है भैया, थैंक यू वेरी मच। चलो ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट। थैंक यू भैया। ओके बाय, गुड नाइट भैया, बाय भैया, थैंक यू।